चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आकर के दुष्टों का भगवत नाम दिलाकर के उनका उद्धार किया है, मारा नहीं है, उनका उद्धार किया है। और चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आज जो दर्शन कराए गए उसमें एक तीर्थवासी विप्र पर उन्होंने कृपा की, उसके दर्शन कराए, दो चोरों का उन्होंने उद्धार किया, चोरों ने उनको चोरी के अपना समझ करके कि भाई इन बच्चे के हम गहने लूट लेंगे अपने कंधे पर बिठाला, और भगवान ने उनकी मति भ्रमित कर दी और उनको अपनी शरण में ले लिया। उस चोरों का उद्धार भगवान ने किया है। और आगामी कल जो 6-7 तारीख है उसमें चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में हम लोग दर्शन कराएंगे कि किस प्रकार उन्होंने जगाई मधाई जैसे दो राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ब्राह्मण कुल में जन्म था उनका, लेकिन ऐसा कोई भी अनाचार नहीं था जिसे वो नहीं करते थे, शराब पीना, हत्या करना, लूटपाट करना, ये उनका दैनिक कार्य था, उनका उद्धार उन्होंने किया है। इस चरित्र के दर्शन कल आप करेंगे। आज सायंकाल चरित्र में भक्त कृष्ण सुदामा, इस चरित्र के दर्शन आपने हमने कराए। सभी लोग जानते हैं कि सुदामा जी की कृष्ण जी की मित्रता रही है, और बस बाल्यकाल में सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के हिस्से के चना खा लिए। उसी समय गुरुदेव ने कहा कि हक परायो खाए के यही मिल है सीख, होए दरिद्री वह सदा घर घर मांगे भीख। किसी को भी किसी के दूसरे के हिस्से का कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा वह दरिद्री होता है, इस जन्म में होगा, अगले जन्म में भी होगा, ऐसा भगवान के गुरुदेव ने, सांदीपन मुनि जी ने सुदामा से कहा, और यही हुआ भी। सुदामा जी दरिद्र हुए, और दरिद्रता के कारण ऐसी दरिद्रता उन पर छाई कि वो 4-4, 5-5 दिन उनको भूखा रहना पड़ता था, उनको भिक्षा भी नहीं मिलती थी। अंत में जब द्वारकाधीश के पास गए हैं, द्वारकाधीश ने उनको 3 लोक की संपत्ति दी है, 2 लोक की संपत्ति दी है, और उनको इतना धनी बना दिया कि वहाँ भी, जब द्वारका में भी सुदामा जी को जब घमंड हो गया कि अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, तो बढ़ाया। और सायंकाल की लीला में स्वामी जी ने श्री सुदामा चरित्र का दर्शन कराया, इससे भक्त लोग बहुत आनंदित हुए, भक्त लोगों का बहुत उत्साह बढ़ा, और हजारों संख्या में भक्त आकर के सुदामा चरित्र का, राधा कृष्ण भगवान की और सुदामा जी मैत्री का जो पावन चरित्र है वो उसका रसास्वादन किए। और कल की जो लीला होगी वह सवेरे के टाइम प्रातः में श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगाई मधाई का उद्धार हुआ, वो ब्रह्म राक्षस थे, बिना कुछ अस्त्र उठाए उन्होंने उनको अपनी कृपा दृष्टि से भक्त बना दिया, और उनके पापों को हर कर उन्हें वैष्णव बनाकर उनको भगवान के धाम जाने का मार्ग बता दिया। और संध्या के टाइम शाम को जो लीला होगी वह कल समापन दिवस है, कल रासोत्सव के बाद नानी बाई का मायरा और ब्रज की होली का रसास्वादन कराएंगे स्वामी जी। और हम लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हम सब एकत्रित होकर यहाँ नगरवासी उनके श्री वचनों से आह्लावित होकर आह्लादित होकर हम अपना जीवन को धन्य कर रहे हैं। आगे भी स्वामी जी इस प्रकार कृपा करेंगे कि हम आशा करते हैं।